नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आगामी 16 नवंबर को विदिशा जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन पुरानी जिला अस्पताल के सामने किया जाना है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, जिला प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद जैन कॉलेज परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी सम्मेलन की तैयारी को लेकर आज जिले के प्रभारी लता वानखेड़े, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश टंडन, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जाधव, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा, कलेक्टर अधिकारी और भाजपा के पदाधिकारी जैन कॉलेज पहुंचे। क्या भाई, जरा आ जाओ। 16 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी भी हैं वो, और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय हितानंद जी शर्मा जी, यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है। कार्यालय का उद्घाटन के बाद यहाँ पर एक भव्य विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो गया, उसी की तैयारी में आज हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। जी भाई साहब, यहाँ तैयारी 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यालय के लोकार्पण के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी विष्णुदत्त शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सम्मानी हितानंद शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानी विश्वास सारंग जी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं। उस कार्यक्रम के लोकार्पण के बाद जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा वो इस ग्राउंड में होना है, तो उसकी तैयारियों के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए थे। आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 16 तारीख को 1 बजे इस महाविद्यालय परिसर में सब लोग पधारें। धन्यवाद।